इसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवत। क्या है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् क्या होता है मालूम आप? श्रीमद् क्या है? श्री उसे कहते हैं जिसका निर्णय गीता जी के अंत में हुआ। श्री अनंत है, इसलिए वेद की श्रुतियां भी कहती हैं श्री शते लक्ष्मी शपत्न्या। श्री और लक्ष्मी ये पुनरोक्ति हुई, ये दोनों में अंतर हो सकता है क्या? श्री और लक्ष्मी में कोई अंतर हो सकता है क्या? तो भक्तों की दृष्टि से यदि देखा जाए जो नारायण की चरण दबाए उसे कहते हैं लक्ष्मी, जो नारायण के चरण दबाए उसे क्या कहते हैं? लक्ष्मी। और नारायण ही जाके जिसके चरण दबाए उसे कहते हैं श्री। क्या कहते हैं? श्री। इसीलिए ब्रज के कवियों ने कहा है कि बैठो पलूटत राधिका चरण। जो श्री के चरण दबाए, तो इसलिए पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती श्रणोति आश्रित जनान दुखम इत श्री। जो आश्रित जनों का दुख सुन लेती है उसका नाम है श्री। और ब्रज में श्री कौन है? कौन है ब्रज की श्री? हमारी प्रिया जी, हमारी लाडली जी, श्री राधे रानी। श्री पुरोधानंद सरस्वती जी लिखते हैं, एक बार मैं पढ़ रहा था, पुरोधानंद सरस्वती लिखते हैं श्री वृंदावन नाथ पट्ट महसी। ये वृंदावन की पट्ट महसी है। अच्छा आप जानते हैं महसी मैंने क्या होता है? महसी मैंने होता है महारानी, पट्ट महारानी है। ये हमारी प्रिया जी है श्री राधा सुधा, एक ग्रंथ है कृपात्री जी का, उसमें स्वामी जी लिखते हैं कि यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य नालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य श्रद्धयो हृदय वसीकरण चूर्णमनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनो स्मरामि। अच्छा आपको मालूम है देवताओं के अधिपति कौन है? बोलो। देवताओं के अधिपति है ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा जी। और वैष्णवों के अधिपति कौन है? भगवान शंकर, वैष्णवानाम यहा शंभु। मुनियों के अधिष्ठाता कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। और देवताओं के अधिष्ठाता कौन है? ऋषियों के अधिष्ठाता श्री नारद जी महाराज। और ब्रह्मांड के सभा में मानवों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री भीष्म पितामह। ऐसे ऐसे दिग्गज भी जिस परम पुरुष को लक्षित नहीं कर पाते वो वेदांत का निगूढ़ तत्व है, जिसे महापुरुष कहा गया, जिसे परम पुरुष कहा गया, जिसको वेदों ने कह दिया सहस्त्र सीर का पुरुषा, ऐसा परम पुरुष, ऐसा महापुरुष, वो ताही अहीर की छोहरियां छछियावरी सांच में नाच न चाहे। वो श्री का स्मरण करते हैं। किसका? श्री का स्मरण करते हैं। सूरदास जी जब चलते हैं ना तो डंडे को ऊपर करके चलते हैं ऐसे। किसी ने कहा बाबा अंधा है डंडा नीचे टेक के चलाकर, बोले डंडा तो वो नीचे टेक करके चलता है जिसका डंडा पकड़ने वाला कोई ना हो। मैं तो जैसी डंडा टेकने की सोचूं तो वो सावरिया सेठ आ जाता है, कहता है बाबा कहाँ चलना, मुझे भेजा, मैं तुझे लेके चलता हूँ, मैं तुझे लेकर के चलू। श्रद्धा हृदय वशीकरण, वो वशीकरण हो जाए
जो निगुण तत्व है वो वशीकरण हो जाए। क्या कोई ऐसा कोई चूर्ण है? सत्यो हृदय वशीकरण चूर्ण मानता सत्य है। बोले ऐसा कोई चूर्ण है जो उस परमेश्वर पर फूको और वो वशीकरण हो जाए। बोले हाँ ऐसा चूर्ण है। बोले क्या? बोले श्री किशोरी जी की चरणारविंद की दिव्य रजाग्री, श्री राधिका जी के चरणों की दिव्य रज। पूरा भंडार नहीं, वो भी भूल से किसी गैया के खुर से उड़ी हुई रजकर्णिका भूल से मस्तक पर गिरी हो तो ठाकुर जी उसके पीछे टाटा थैया करके ढूंढते हैं, ये वो श्री है। क्या है? श्री। फिर क्या है? मद। क्या है? मद। मद के भी विभिन्न अर्थ हैं। मद मन के विकार को भी कहते हैं। सार का भी स्वरूप मद कहा जाता है। फूल के रस को भी मद कहते हैं, मधु उसका सार है। फूल के रस को क्या कहते हैं? मद। और मधु उसका सार है। जब कोई गृहिणी कोई युवती श्री यमुना जी में स्निग्ध होकर के श्री वृंदावन के अपने घर के मार्ग को जाए तो उसकी साड़ी के आंचल के कोने से बिंदु बिंदु जल की रेखा उसके पीछे खिंचती है और वही बिंदु वही जल की रेखा थोड़ी और सूक्ष्म बिंदु के रूप में गिरती है, थोड़ा और आगे जाए तो छोटी सी सूक्ष्म बिंदु के रूप में गिरती है, फिर वही तृष्णेणु के समान छोटी सी बिंदु प्रकट होती है और आगे गिरती है। ऐसे ही जब श्री कृष्ण श्री श्याम सुंदर के अनंत अखिल प्रसाद सिंधुसार विग्रह नित्य स्वरूप में विस्मृत होकर के वृंदावन की बीथियों में विचरण करती है तो श्री जी के आंचल से बिंदु बिंदु नहीं सप्त सप्त सिंधु निपतित होते हैं। वैदग्य सिंधु, रनुराग रसायक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, अमृत सुविधाम रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरित ही श्री राधिका हृदय स्फुरित सिंधु। ये जब दिव्य महाभाव बिंदु नीचे गिरे तो उछल करके आगे जाती है, फिर और आगे जाती है, वही भाव उछल करके फिर सखियों को मिलती है, सखियों के चलने से वो दुर्वा में स्थापित हो जाती है, दुर्वा में पड़ने से वो गायें जब चलती हैं तो उनमें आच्छादित हो जाती है और गैयाओं के दुग्ध दोहन से वो आस्वादन जो है ग्वालों में स्थापित हो जाता है, उसी की प्रसादी वितरण करने से ब्रजवासियों में आच्छादित होकर के संतों तक पहुंच जाता है और चलता हुआ ये दिव्य दिव्य महाचक्र इस आगन में प्रवाहित हो रहा है महाराज, इसी का नाम है मद। क्या है इसका नाम? मद। श्री जी का मद, श्री मद। और भागवत की व्याख्या आपको सुनाई है, भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग सह भागवता है ना? भक्ति ज्ञान और वैराग्य त्याग को क्या कहते हैं? भागवत कहते हैं। और उसी भागवत को आपने बड़े निष्ठा और बड़े प्रेम से श्रवण किया और सप्ताह पर्यंत हमने इस भागवत की यात्रा में गोते लगाए, बड़ा आनंद हुआ और सौनक आदि ऋषियों ने सूची महाराज से कथा सुनी।